हेलो फ्रेंड्स, दिल्ली की सर्दी से बचने के लिए हम आए हुए हैं मुंबई में। अभी हम बांद्रा में हैं और जा रहे हैं साउथ मुंबई की तरफ, और फिलहाल ये है बांद्रा वर्ली सी लिंक। इस ब्रिज की कुल लंबाई है 9 किलोमीटर। इसको पब्लिक के लिए ओपन किया गया था 2009 में, जबकि इसका काम शुरू हो गया था 2000 में, यानी कि इसको बनाने में कुल 9 वर्ष का समय लगा। ये ब्रिज ना केवल आपको बॉम्बे के ट्रैफिक से बचाता है, बल्कि जब आप एंड पॉइंट पर जाते हैं तो आपको बहुत ही अमेजिंग व्यू देखने को मिलता है। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज हम लंच करने वाले हैं बॉम्बे के 5-स्टार होटल और इंडिया के पहले 5-स्टार होटल ताज के अंदर। बॉम्बे या मुंबई, इंडिया की कमर्शियल कैपिटल। इंडिया के अंदर बहुत सारी चीजों की शुरुआत बॉम्बे से ही हुई। पहली ट्रेन, पहली बस, पहली फ्लाइट, पहला 5-स्टार होटल, पहला स्टॉक एक्सचेंज, यानी बहुत सारी चीजें जो बॉम्बे से ही शुरू हुई। आज का हमारा पहला पड़ाव हाजी अली दरगाह, एक बहुत ही पुरानी दरगाह है ये, लगभग 600 साल पुरानी, और समुन्दर के बीच में बने एक छोटे से टापू पर बनाई गई है ये, फ्लोटिंग आइलैंड टाइप का है ये। यदि आप जानना चाहते हैं कि मुंबई की ट्रिप कैसे प्लान करें, होटल कहां बुक करें, तो उसके लिए आप हमारा पहला वीडियो देखें। इस वीडियो में हम आपको गेटवे ऑफ इंडिया, ताज होटल और एलिफेंटा केव्स के बारे में बताएंगे। और फाइनली हम आ गए हैं मुंबई की पहचान गेटवे ऑफ इंडिया पर। इस स्ट्रक्चर का निर्माण जब फर्स्ट टाइम ब्रिटिश मोनार्क किंग जॉर्ज 5 इंडिया आए थे तब किया गया था। मेरे देश को देखने भाई सारी दुनिया आई, मेरे देश में हो, मेरे देश में पवन चले पुरवाई, हो मेरे देश में। गेटवे ऑफ इंडिया से फेरी राइड लेकर आप जा सकते हैं एलिफेंटा केव्स के आइलैंड पर, जो 1 घंटे की राइड है और आपको देने पड़ेंगे 200 रुपए। जहां पर फेरी आपको उतारती है वहां से एलिफेंटा केव्स तक आपको काफी पैदल चलना पड़ता है, अराउंड 1 किलोमीटर। आप चाहें तो यहां से एक टॉय ट्रेन चलती है, उसमें भी राइड कर सकते हैं, 10 रुपीज लेती है पर पर्सन, और उसके बाद भी आपको इवन 120 स्टेप्स चढ़ने होते हैं, खड़ी चढ़ाई है ये। ये भी एक आइलैंड है जिसके ऊपर 2-3 गांव बसे हुए हैं, और एलिफेंटा केव्स तक पूरे रास्ते में दोनों तरफ आपको बहुत ही ब्यूटीफुल और कलरफुल ये आइटम्स दिखाई देंगे। इन गुफाओं का निर्माण 7वीं शताब्दी में किया गया था। ये एक तरह का मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है।
यदि आपकी हिस्ट्री और आर्ट में इंटरेस्ट नहीं है तो हो सकता है ये जगह आपको पसंद ना आए, क्योंकि जहां दिल्ली में सर्दी 120 साल का रिकॉर्ड तोड़ रही थी, यहां पर हमारे पसीने छूट रहे थे। बहुत ज्यादा पैदल चलना पड़ता है और सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। और अब वापिस गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ, और अब हमें जाना है ताज होटल में। ताज होटल का निर्माण जमशेद जी टाटा द्वारा 1903 में किया गया था। जब यह होटल बनकर तैयार हुआ तो ये इंडिया का पहला ऐसा होटल था जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी थी, फैंस थे, जर्मन एलिवेटर्स थे और ब्रिटिश बटलर्स थे। इस पुरानी बिल्डिंग के अंदर 6 फ्लोर हैं। अभी 1973 के अंदर एक नया टावर ऐड किया गया है इसके अंदर। इस ताज टावर के अंदर 20 फ्लोर हैं। ये मेन लॉन्ज यानी कि वेटिंग एरिया है। बहुत ही अच्छी क्रिसमस की डेकोरेशन यहां पर की गई थी। और इस गैलरी के अंदर एक जगह पर डिस्प्ले किया गया है कौन कौन सी मेजर पर्सनैलिटीज यहाँ पर रुकी हैं, जिनमें मेजर हैं बिल क्लिंटन, बराक ओबामा तथा दूसरी वर्ल्ड की फेमस पर्सनैलिटीज। होटल के अंदर कई वॉक इन रेस्टोरेंट भी हैं, जिनमें प्रमुख हैं मसाला क्राफ्ट, सामियाना और ये सी लॉन्ज जिसके अंदर आज हम इन्वाइट किए गए हैं। अंदर हम काफ़ी सीनियर लोगों के साथ बैठे हुए थे, सो वी कुडंट रिकॉर्ड ड्यूरिंग लंच टाइम एंड नाउ गोइंग बैक। हाई क्लास लोगों के साथ थोड़ा टाइम बिताने के बाद हम वापस आ गए अपनी मिडिल क्लास में। गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है ये काला घोड़ा आर्ट डिस्ट्रिक्ट, जहां पर कई सारी आर्ट गैलरीज और म्यूजियम हैं। जहांगीर आर्ट गैलरी यहां पर एंट्री फ्री है। एक और आर्ट म्यूजियम, बट यहां पर आपको एंट्री टिकट लेनी पड़ेगी। आर्ट गैलरी से निकलकर हम आ गए नेरिमन पाइन मैरिन ड्राइव पर। इस पूरी मैरिन ड्राइव का नजारा देखने के लिए आप हमारा दूसरा वीडियो चेक कर सकते हैं, जिसमें हमने गिरगांव चौपाटी भी कवर किया है। फिलहाल हम हैं नेरिमन पाइन पर, मैरिन ड्राइव जिसको बोलते हैं, और यहाँ पर हम आज सूर्यास्त का नज़ारा देखेंगे।
और ये थी हमारे आज के दिन की परफेक्ट एंडिंग। मैरिन ड्राइव पर कई सारे नज़दीक में लोकल ट्रेन्स के स्टेशंस भी नज़दीक हैं, चर्च गेट, मैरिन ड्राइव और चर्नी रोड। उनके बारे में भी हमने एक अलग से वीडियो बनाया है कि लोकल में कैसे आप उसको यूज कर सकते हैं, काफ़ी चीप पड़ता है बॉम्बे में, तो उसके लिए हमारा दूसरा वीडियो देखें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।